फ्री में दिया है ये? फ्री में हाँ ये फ्री में दिया है। हाँ कमेंट करो तो मैं सभी का अलग अलग प्राइस बताऊंगा कि मुझे टोटल प्राइस कितना। और ये आपके सामने ये पेश होने जा रहा है, वन टू ये पेश होने जा रहा है। ये दिवाली है, दिवाली हैप्पी दिवाली बोल दो, बोल दो जोर से, और जोर से। सो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में, और आज है दिवाली का दिन, और दिवाली के दिन हमने कुछ चीजें लाई है जो आप सभी को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और ये आपके सामने ये पेश होने जा रहा है, वन टू ये पेश होने जा रहा है। ये अरे ओमकार सर नहीं यार, ये देखो सो गाइस ये हमारा पीसी का नया सेटअप आपके आंखों के सामने दिख रहा होगा। और गाइस ये हम करने वाले यहाँ जो अपना घर पे स्टूडियो हुआ, और घर वाला जो है वो जाने वाला है ऑफिस पे। तो इसके लिए पूरी तरह से ओमकार सर आपको बताएंगे कि इसमें ग्राफिक कार्ड कौन सा है, SSD कितना है, और हमने हार्ड डिस्क लिया हुआ है कि बस ओनली SSD पे काम किया हुआ है, क्या किया हुआ, स्क्रीन कैसा है, सभी चीज़ें A to Z सभी चीज़ें बताने वाले ओमकार सर। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर आपने कल का व्लॉग देखा होगा तो हमने दो स्क्रीन एक्चुअली चूज़ किया था। अब ये वाली स्क्रीन में फ़र्क है और उसकी स्पेशलिटी क्या है। ये स्क्रीन की अगर मैं स्पेशलिटी बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ आपने देखा होगा स्क्रीन में बॉर्डर्स आते हैं, तो ये बॉर्डरलेस है, यानी जितने जहाँ तक स्क्रीन रहेगा वहाँ तक हम जो डिस्प्ले होगा वो डिस्प्ले चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताओ इसकी खासियत ये है कि आपका ये जो रिफ्लेक्शन होता है, आपने जनरली स्क्रीन में देखा होगा जैसे यहाँ पे टीवी है तो टीवी पे आप देखोगे तो रिफ्लेक्ट होती है चीज़ें, लेकिन यहाँ पे इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा, पूरी मैट फिनिशिंग है, जितनी चीज़ें स्क्रीन पे उतनी ही चीज़ें सिर्फ आएंगी, आपका रिफ्लेक्शन वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, सबसे बेस्ट। और वारंटी अगर बात करूँ तो दूसरा था तो वहाँ पे अगर कुछ होता है स्क्रीन को तो हमें स्क्रीन जो आपका बोलते ना कि सर्विस सेंटर, तो सर्विस सेंटर पे हमें लेके जाना पड़ता था। बट इसका खास ये है कि आपको बस कॉल करना है कस्टमर केयर को और जो सर्विस मैन होगा वो आपके घर पे आएगा, रिपेयर करके आपकी सारी चीज़ें जो रहेंगी वो क्या पूरी करके जाएगा। फिर उससे ब्रांड का है ये, आपके AOEC ब्रांड का है सर, ठीक है, 24 इंच का है ये आपका। और ये आपका वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस है, ठीक है, कॉम्बो है पूरा। ये हमारा कैबिनेट है, ये एक्चुअली CPU है पूरा सिस्टम, लेकिन ये पुराना वाला हमारा जो हम पहले से यूज करते आ रहे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सर्विसिंग कवर करके नया लेकर आए। अब यहाँ पे ये हमारा नया वाला सिस्टम है जो कि बहुत भारी सिस्टम है, सिस्टम पार देंगे। अब इसकी अगर स्पेशलिटी की अगर मैं बात करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास लगभग देखा जाए तो 4 से 5 सेटअप है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और ये देखा जाए तो अब तक का सबसे पावरफुल सेटअप है। हाँ, बट जो है वो एडिटिंग के लिए ज्यादा पावरफुल है जो हमारे पास पहले है, क्योंकि उसका ग्राफिक कार्ड इसके कंपैरिजन में नहीं, ये इसका ज्यादा अपग्रेड है। ओके, ये उससे एक प्लस है। आई थिंक वो अपना था 700 GTX 700 और ये है अपना GTX 1650 तो मतलब ये ज्यादा अपग्रेडेड है। हाँ, इसके अंदर बस कमी किसकी है, हार्ड डिस्क की कमी। यहाँ पे पहले वाले की अगर मैं बात करूँ तो पहले वाले में एक्चुअली हमने दोनों बिल्ड किया था, लेकिन स्पेस का कुछ इशू नहीं है, हमने SSD भी डाला था और हार्ड डिस्क भी डाला था। हार्ड डिस्क एक्चुअली जो था हमारा 1 TB का था, बट SSD जो था 216 समथिंग कुछ था आपका SSD का, 256 SSD था। लेकिन अगर बात करूँ तो स्पेस कोई भी कमी नहीं करने पड़ने वाला है, क्योंकि उसको मिला के 1400 GB का स्पेस अवेलेबल था, या अकेला 1 TB का SSD इसमें डाला हुआ है। एक्चुअली देखो, जिसको बड़ी बड़ी चीजों का रिकॉर्डिंग करना है उसके लिए प्रॉब्लम है, हमारा कैसा है कि हम रिकॉर्डिंग करके बाद में उसको डिलीट भी कर सकते हैं, हमें इतना बड़ा इशू नहीं है स्पेस का, तो स्पेस का हमें इशू नहीं आता है। तो इस वजह से दोनों ही जो स्पेसेस है वो अवेलेबल है। यहाँ पे हमने 1 TB का SSD डाला है, क्योंकि SSD से आपका स्पीड भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम मैं बात करूँ तो हमने एक चीज़ और करके रखी है, डायरेक्ट SSD जो है आपके मदरबोर्ड जो उसमें इनबिल्ट कर दिया, ताकि अगर हम आगे चल कर हार्ड डिस्क एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, अगर हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं तो 2 हार्ड डिस्क हम अलग से क्या लगवा सकते हैं, बड़े बड़े आपके स्पेसेस जो कैरी कर सकते हैं, हम इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो। अब वही अगर मैं बात करूँ उसके प्रोसेसर की, जो प्रोसेसर है दोस्तों वो AMD Ryzen का प्रोसेसर आपका, ठीक है, AMD Ryzen का प्रोसेसर यहाँ पे डाला हुआ है। और जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड गीगाबाइट कंपनी का मदरबोर्ड यहाँ पे क्या डाला हुआ है, अब जैसे हम अनबॉक्सिंग करेंगे तो वहाँ पे बाकी चीज़ें भी आपको देखेंगे, बोलते ना
कि एक आउटलुक आता है कि एक फील आनी चाहिए जब हम सिस्टम पे बैठे हैं, तो लाइटिंग आरजीबी वाली फील भी आपको यहाँ पे दिखेगी, जो सिस्टम है पूरा ट्रांसपेरेंट आपको दिखेगा, पहले वाला भी था लेकिन ये उसका जो लुक है थोड़ा सा और अलग क्लासिक लुक देता है हमें। तो हम धीरे धीरे जैसे आपका इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे तो आपको सारी चीज़ों का यहाँ पे क्या देखने मिल जाएगा। सो गाइस ये पूरा सेटअप हमें कितने में पड़ा, वेट करो हमें भी बताते हैं आपको, ये पूरा का पूरा है, अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं तो पूरा सेटअप भी लगाते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों सबसे पहली चीज ये हमारा वायरलेस, एक्चुअली दो तरीके मिलता है, आपके वायर्ड भी मिलता है और वायरलेस भी मिलता है। तो वायरलेस बेसिकली इसलिए लिया गया क्योंकि जो वायर्स है वो ज्यादा दिखे ना और जो सेटअप पे बहुत ज्यादा क्लीन दिखे और क्लियर दिखे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये एक्चुअली लेटेस्ट मॉडल ही है। लेटेस्ट मॉडल में कैसा है कि आपके जो कीबोर्ड्स है वो कीबोर्ड्स की जो स्पेस होते हैं वो बहुत बोलते हैं ना आपके ये होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो वहाँ पे आपको टाइपिंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल आता है क्योंकि हमारा हाथ उस पर बैठा नहीं है, तो इस वजह से हमने ये वाला लिया जो एक्चुअली जो नॉर्मल साइज आता है वो हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है। अभी इसको हम लोग फटाफट खोलेंगे, यहाँ पे जब खोलेंगे तो ये आपका कीबोर्ड है और ये आपका वायरलेस। अब यहाँ पे एक्चुअली अगर हम अलग अलग लेते हैं तो अडाप्टर भी दो अलग अलग लगाने पड़ते हैं, बट यहाँ पे फायदा क्या है कि ये कॉम्बे तो एक ही अडाप्टर से हमारा जो काम है वो चल जाएगा, हम एक ही अडाप्टर क्या यहाँ पे सिस्टम में क्या लगाना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब आते हैं हमारे स्क्रीन पे, तो स्क्रीन आपको जैसा मैंने कहा कि ये मैट फिनिशिंग है तो आपको अभी पता चल जाएगा कि मैट फिनिशिंग किसे कहते हैं। सामने आने जा रहा है हमारा सुनहरा सा, मतलब पहले आप दुल्हन को नहीं दिखाओगे। तो ये इसका कवर और यहाँ पे इसके बाकी सारे एक्सेसरीज, नीचे स्टैंड करने वाला, फिर इसके जो केबल्स आपके ये, और फिर ये रहा आपका स्क्रीन। अब स्क्रीन आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा दिखाएंगे। अब जनरली अगर आप देखोगे तो कैसा होता है कि आपके बॉर्डर्स होते हैं, बट इसमें आपको बॉर्डर्स नहीं है। बॉर्डर्स आप देखोगे तो पूरा जहाँ तक लास्ट तक है वो बॉर्डर्स है, तो बहुत माइन्यूट है, मतलब बहुत नाम के लिए, और यहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये मैट फिनिशिंग है। आप जब स्क्रीन इसको ऑन करोगे तो आपको चीज़ें रिफ्लेक्ट होती भी नहीं दिखाई, नॉर्मली स्क्रीन में आप देखोगे तो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है, बट यहाँ पे आपको चीज़ें रिफ्लेक्ट होती भी नहीं दिखाई नहीं। प्लस ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ये भी है कि हम इसे माउंट कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर हमें दीवार में लगवाना है तो उसको हम लोग दीवार में लगा देंगे और नीचे का जो स्पेस है वो भी यूटिलाइज हो सकता है आपका। फिर अब हमारा सीपीयू की बारी है, तो सीपीयू हम ओपन करेंगे। ये हमारा ऐसे हमने टोटल दो स्क्रीन लिया हुआ है। हाँ ये एक्चुअली हमारा कनेक्टर है जो HDMI VGA कनेक्टर करने के लिए हमें यूज होगा स्क्रीन में, क्योंकि एक स्लॉट HDMI का एक VGA का, तो उसके लिए आपका ये दिया गया। फ्री में दिया ये? फ्री में हाँ ये फ्री में दिया है। हाँ ये रहे इसका पावर केबल जो इसका पावर सप्लाई करेगा, और फिर ये हमारा सिस्टम जो भी निकलेगा यहाँ पे। एक दो पांच, वन टू थ्री पांच, निकलने में टाइम लग रहा है, काउंटिंग खत्म हो जाता है। आपके सामने बड़ी मुश्किलों से निकलने वाला CPU। तो ये रहा आपका कैबिनेट। अब यहाँ पे देखो ये चीज है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप अंदर क्या क्या सारी चीजें, ये आपको पूरा यहाँ पे क्लियर देखने मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक RGB लाइट भी चलती है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपकी एक RGB लाइट भी चलती है, जब हम सिस्टम चालू करेंगे तो वहाँ पे दिखेगा। और प्लस और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक हंग टाइप का आपको यहाँ पे भी एक ब्लू कलर का लाइट आपको देखने मिलेगा जब सिस्टम ऑन होगा यहाँ पे। और यहाँ पे बेस्ट चीज़ कैसी, जनरली आपने देखा होगा कि कैसा होता है कि आपके जो USB पोर्ट्स होते हैं सामने के, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो माइक पोर्ट्स होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, लेकिन इसमें कैसा है कि आपकी सारी चीज़ें ऊपर दी गई है, जिसकी वजह से बेनिफिट ये होता है हमें कि हम इसको ऊपर से डायरेक्टली कर सकते हैं और हम इजीली देख सकते हैं कि भाई कनेक्ट हुआ है कि नहीं कनेक्ट हुआ है।
तो यहाँ का स्पेस थोड़ा सा बच जाता है और यहाँ पे पावर का ज्यादा मतलब निकालने की जरूरत नहीं, निकालने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लास्ट में अगर अरे देखो इसमें फाइल एक और है कि आपको कवर दिया गया है ताकि आप कवर कर सको, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो यहाँ पे चीजें दी है तो ताकि धूल मिट्टी ज्यादा ना जाए, इस वजह से इसको कवर दिया गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका ये बैक का बैक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिल जाते हैं, फिर आपको ये लैन कनेक्ट करने के लिए आपको पोर्ट मिल जाता है, माइक के लिए पोर्ट मिल जाता है, HDMI के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपका जो पावर केबल है वो पावर केबल होता है, जनरली ऊपर होता है बट इस सर्कमस्टांस में अगर मैं बात करूँ तो इस कंडीशन में नीचे इस कंडीशन में यहाँ पे नीचे। तो अभी हम फटाफट पूरा PC तैयार करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। ये सेटअप तैयार हो चुका है और यहाँ करता हूँ मैं ब्लॉग को एंड। अगर आपको चाहिए कि मैं एक एक की प्राइस सभी बताऊँ तो प्लीज कमेंट करो, जितने ज्यादा कमेंट होंगे तो मैं सभी का अलग अलग प्राइस बताऊंगा कि मुझे टोटल प्राइस कितना पड़ा मेरे ये कंप्यूटर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।